Sony Live. We live to entertain. Download the app. पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें. सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन. ये उन दिनों की बात है. यार मैं भी अपनी हीरोइन को प्यार की आवाज़ें डालता हूँ. आप पंडित आज बड़ा सुंदर लग रहा तू. है ना तू अच्छा लग रहा आज. अरे ये पंखा किधर घुमा दिया, इधर लगाओ ना. मिल रही है हवा. हाँ अभी ठीक है. ए बे पटाके को देते पटाके. हाँ, को दे दे दे. ये क्या कर रहे हो तुम? प्यार की हवा चला रहा हूँ. नहीं मतलब गर्मी लग रही है ना आपको? मुझे बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही. ना ना गर्मी तो लग रही है पंडित. मुझे बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही. नहीं गर्मी है. तुम हटते हो कि मैं आऊं? समझ गया. आंटी जी आपको पता है कि मेहंदी जब निकल के आपके हाथों पे लगती है तो इसका एक कौन क्या सोच रहा होता है कि तुम इतने दिन थी कहां, मैं ढूंढता ही रहा. अरे भाभी जी आपकी तो नई नई शादी हुई है ना जी, तो आप ना इस मेहंदी से अपने हाथ पे अपने पति का नाम लिखवा लीजिए. पता है उससे क्या होगा? क्यों क्या होगा? इस मेहंदी के रंग की तरह आपका प्यार भी और पक्का और गहरा हो जाएगा. हाय बड़ी प्यारी बातें करते हैं ये. भाभी जी मैं सिर्फ बातें प्यारी नहीं करता हूँ, मैं खुद बहुत प्यारा हूँ और कवारा भी. मेरी एक भतीजी है वो भी कवारी है. कहो तो बात चलाओ. हाँ हाँ चलाओ सुनीता, बड़ा अच्छा लड़का है, मेरे मन को तो बहुत भा गया. अरे बुआ जी आजकल के बच्चे कहाँ अपने माता पिता की बात सुनते हैं, वो तो अपनी मर्जी से शादी करते हैं, वो भी लव मैरिज. लेकिन मैं तो ऐसी शादी करूँगा, ऐसी शादी मैंने पहली बार देखी है. ये हल्दी मेहंदी रस्में रीति रिवाज, वाओ शादी करने में मजा आ जाएगा. अरे तेरी ऐसी शादी नहीं, इससे भी बहुत बढ़िया शादी होगी. तू हीरो लगता है ना, तो मैं एक अच्छी सी हीरोइन ढूंढ लूंगी. तो दादी बुआ जी देरी किस बात की है? आप ढूंढिए ना लड़की मेरे लिए, हो सकता है आपके आसपास हो, फिर आपकी नजरों के सामने. आसपास नजर के सामने? सच सच बता यहाँ कोई दिलवाली है क्या जिसपे दिल वाले का दिल आ गया हो? हाँ बोलना, शर्मा मत. पता है हाँ शर्मा मत बता दे. ओ भाई भोलू राम के कहने का मतलब है कि आपके आसपास मतलब बम्बई, इतने बड़े खानदान का बेटा है तो बम्बई से नीचे बात बनेगी क्या है बुआ जी? हाँ हाँ बड़ी आई है सबकी कुंडली विचारने वाली. चल मेहंदी लगा. अरे नैना तू तो बड़ी अच्छी मेहंदी लगा रही है. ये क्या खाक मेहंदी लगाएगी, अरे इसे कुछ आता भी है? खाना सोना और बातें बनाना, इसके अलावा कुछ नहीं आता है. लड़कियों के लक्षण इससे कोसों दूर भागते हैं. बर्तन मांजने को बोल दो, एक एक घंटे बर्तन मांजती रहती है. मुझे तो इस लड़की की बड़ी फिक्र रहती है, बिन माँ की बच्ची है, शक्ल सूरत भी अच्छी नहीं है और इसके बाप के पास दहेज देने के लिए पैसे भी नहीं. वो कहावत सुनी है ना कि या तो दुल्हन हो या दहेज हो, यहाँ तो दोनों चीजें नदारत है. कौन शादी करेगा इस लड़की से? सच कहा ताई जी आपने. आप सबको पता है नैना हमारे स्कूल की टॉपर है और हर बच्चा चाहता है नैना जैसा बनना.
जितनी इंग्लिश नैना को आती है ना, उतनी इंग्लिश तो अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को नहीं आती कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने के बाद। इसीलिए आपने सही कहा था जी, लड़का ढूंढने में बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि नैना की खूबियों से मैच करना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। मुझे तो लगता है कि नैना से शादी करने के लिए कहीं लड़के वाले नैना को ही दहेज ना देते। समीर के किरदार का ये एक पहलू था जो कभी कभी बाहर आता था। हजार गलतियां करने के बाद भी वो बखूबी जानता था कि उसके कौन से शब्द दिल घायल कर सकते हैं और कौन से शब्द दिल जीत सकते हैं। और उस दिन ऐसे ही कुछ हुआ। एक पल को मेरे होंठ मेरी नाराजगी पर ध्यान ना देते हुए मुझसे पूछे बिना मुस्कुरा दिए। और नहीं तो क्या, मेरी नैना है ही सबसे बेस्ट, है ना नैना? और उसे आप जैसा, मेरा मतलब है कि आप जैसी सोच वाला लड़का मिलना चाहिए, है ना? और उसे अमीर भी आप जैसा ही मिलना चाहिए लड़का, वरना दहेज कहाँ से देगा? चुप। भगवान ने दो बित्ती की जबान क्या दे दी, जब देखो तब जबान को रस्सी मिला के कूदती रहती है। कहाँ समीर और कहाँ नैना, इन दोनों का कोई मेल है? कहाँ महेश्वरी इंडस्ट्री का इकलौता वारिस और कहाँ एक मामूली सी लाइब्रेरियन की बेटी? अरे इनका कोई मेल ही नहीं है। इससे शादी करने के लिए तो जन्नत की हूर भी आपस में एक दूसरे के बाल नोच लेंगी, देख लेना। बोलो राम, मैं करवाऊंगी तुम्हारी परी जैसी लड़की से शादी। मेरे मायके में खूब सुंदर सुंदर लड़कियां हैं और पैसे वाली भी, तुम देख लेना। हाँ हाँ, तुझे छोड़ के तेरे मायके में सभी खूबसूरत सुंदर सुंदर लड़कियां हैं। एक हमारी किस्मत फूटी थी जो इसे हमारे पल्लू बांध दिया। अरे लड़कियों, सिर्फ मेहंदी लगाती रहोगी या फिर नाच गाना भी होगा? काचली ही वडेरी पैसा उतारी सा, ओ झीणा मीणा सुपना जीवे आखड़ली, पगलारी ठोकर सुबेड़ा बधारी सा, ओ घना चोखा उड़े लगी पाखड़ली, मन सतरंगी सतरंगी सतरंगी, मन सतरंगी सतरंगी सतरंगी, मन सतरंगी सतरंगी सतरंगी, मन सतरंगी सतरंगी सतरंगी। हम एक काम करते हैं, कैच प्रैक्टिस कर सकते हैं ना बैठे बैठे, हम वो करते हैं। कुछ नहीं करना है मुझे, रहने दो। तुम मना किया ना, नहीं खेलना है मुझे। तो मैं क्या करूं, राकेश सर को क्या जवाब दूंगा मैं? ना तुम उठने की कोशिश करो ना ही कैच प्रैक्टिस की। अर्जुन तुम एक काम करो, तुम तब तक बहुत से खेलो, मैं कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। समीर, वो आज जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। पापा को सबके सामने तुम्हारा अपमान नहीं करना चाहिए था। तुम्हें बुरा लगा ना? इतनी चिंता है तुम्हें मेरी? अपमान मेरा हुआ है और उसकी तकलीफ मुझे तुम्हारे चेहरे पर दिख रही है। इसका मतलब पता है? इसका मतलब ये है कि मेरे प्यार की मंजिल बहुत करीब है। थैंक यू सो मच नैना, तुमने मेरे अपमान को इनाम में बदल दिया। कहाँ जा रहे हो? वो
अर्जुन को कुछ खाने के लिए लेने जा रहा हूँ। तुम उनके पास जाओ, खाना मैं ले आती हूँ। जैसा उस महाभारत के अर्जुन ने स्वयंवर में मछली की आंख में नजर रखी थी, वैसे ही तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ क्रिकेट पे होना चाहिए, अपने सिलेक्शन पे। तुम्हें हर हाल में खेलना है और जीतना है। इस मैच में सिलेक्शन के साथ साथ बेस्ट प्लेयर को एक नई कार भी मिलने वाली है और वो तुम्हें हर हाल मिलानी है, समझे? हार के आया तो मुंह मत दिखाना। सुन अर्जुन, एक हफ्ते में तेरा मैच है, बहुत हो गया। उठ और मेहनत कर, कार लानी है तुझे। कैसे हो गया? नहीं अर्जुन, अगर तुझे किसी ने अपने पैरों पे खड़ा देख लिया तो, और ऊपर से वो तेरा मैच पापा को पता चला तो? मुझे मैच खिलाएंगे और जीतने का प्रेशर डालेंगे। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन।